लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर दिए गए बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल मच गया है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने एक बयान का जिक्र कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। पीएम मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने देश के संसाधनों पर पहले हक अल्पसंख्यकों का है। गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ दौरे में इस बात का जिक्र कर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बड़ी साजिश रची है। राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे, और मनमोहन सिंह आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है, मनमोहन सिंह को याद करो। उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है, और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। वही सीएम विष्णुदेव साय ने भी दावा किया कि देश के संसाधनों पर सबका अधिकार है। उनका ये बयान सही नहीं माना जा सकता। इस देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों की संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, जो देश की चिंता करते हैं। यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, कहे कि ये देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों करोड़ों की संख्या में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं, देश के विकास के लिए चिंता करते हैं, तो सबका अधिकार देश के संसाधन में है। पीएम मोदी के बयान को लेकर अब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने करारा जवाब दिया है। सिंहदेव ने सोशल मीडिया एक्स में लिखा कि 18 साल पहले एक संवेदनशील और ज्ञानी प्रधानमंत्री ने समता की बात की, गरीबों, वंचितों को भारत में उनका अधिकार देने की बात की। कल एक संवेदनहीन और भेदभावपूर्ण प्रधानमंत्री ने उसी बात का दुरुपयोग करके देश को बांटने की कोशिश की है। याद रखिएगा, मनमोहन सिंह जी की इस सोच ने भारत के 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया था, और नरेंद्र मोदी की सोच ने 23 करोड़ को वापस गरीबी में धकेल दिया। 50 सालों की सबसे अधिक बेरोजगारी थी। सही नेतृत्व का चुनाव ही भारत को इस अंधकार से निकाल सकता है। सचेत हो जाइए, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच 18 साल पहले के बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। बीजेपी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को लेकर अब कांग्रेस भी हमलावार हो गई है, लेकिन चुनाव के समय ऐसे बयानों के बहाने वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश से जरूर माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।